तो गाइस वांडा विजन का थर्ड एपिसोड भी रिलीज हो गया और इस एपिसोड से हमारे कई डाउट क्लियर हो गए। साथ ही हमें ये भी आइडिया हो गया कि पिछले दो एपिसोड्स में आखिर चल क्या रहा था। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि वांडा प्रेग्नेंट है, साथ ही अब यहां सब कुछ कलरफुल हो गया है, लेकिन करेक्टर्स और वेस्ट व्यू शहर अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो डॉक्टर नेल्सन वांडा को चेक करने के लिए घर पर आए होते हैं, जहाँ विजन कंफ्यूज होता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन वांडा विजन को डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए कहती है। जब विजन डॉक्टर को छोड़ने के लिए बाहर आता है तो उसका नेबर ड्रिल मशीन को एक दीवार पर यूज कर रहा होता है, साथ ही वो बड़े अजीब तरीके से विजन को देख भी रहा होता है। वैसे इस पड़ोसी का नाम हर्ब है और ये एग्नेस का पति है। खैर, फिर विजन घर के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि विजन के बच्चों की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है, जिसपे विजन काफी शोक भी होता है। फिर वांडा पूरे घर को अपनी पावर से सजाती है, लेकिन फिर अचानक वांडा को पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है और कुछ टाइम के लिए पूरे शहर की लाइट भी चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब विजन को लगता है कि ये सब उसके नेबर्स की वजह से हुआ है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए जाता है। वापिस आकर विजन वांडा को बताता है कि अब सब कुछ ठीक है, साथ ही वो उसे बताता है कि उसका नेबर हर्ब आज कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, जिससे उसे लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। और फिर सीन कट होकर एक मिनट पहले वाले सीन पर चला जाता है, जहाँ विजन बाहर से आकर वांडा को बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। तो दरअसल यहाँ वांडा ने एपिसोड 2 के एंड की तरह ही रियलिटी को स्किप कर दिया, यानी विजन और वांडा की ये कन्वर्सेशन अब कभी हुई ही नहीं। खैर, फिर अचानक पूरे घर में बारिश शुरू हो जाती है और फिर पिछले एपिसोड की तरह ही इस एपिसोड में भी एक कमर्शियल एड आती है और ये एड भी वांडा की रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। ये एड होती है हर्बर सोप बाथ पाउडर की। खैर, एड के बाद हम देखते हैं कि अब बारिश बंद हो चुकी है और फिर वांडा अपनी पावर से सब कुछ साफ और पहले जैसा कर देती है। लेकिन फिर दोबारा वांडा को पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जहां विजन डॉक्टर को फोन लगाने की ट्राई करता है, लेकिन फोन लाइन डेड होती है, जिस वजह से विजन को डॉक्टर को लेने के लिए खुद पर्सनली जाना पड़ता है। तभी वांडा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वांडा उन आवाजों की तरफ जा ही रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। वांडा जल्दी से एक बड़े लॉन्ग कोट को पहनती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर जेडलिन होती है, जो यहां अपना बकेट लेने आई होती है। अब यहां वांडा जेडलिन से अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश करती है, साथ ही घर में एक डक भी आ जाती है और वो अजीब आवाज इसी डक की होती है, जो कुछ देर पहले वांडा सुन रही होती है। अब यहां वांडा को पेन काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे जेडलिन को पता लग जाता है कि वांडा प्रेग्नेंट है। और जब तक विजन डॉक्टर को लेकर आया, तब तक वांडा एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, साथ ही थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। और फिर एक जंप कट के बाद हम देखते हैं कि वांडा की जुड़वा बच्चे ठीक है और सब कुछ नॉर्मल होता है। तब विजन डॉक्टर को आने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे छोड़ने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन तभी विजन की नजर उसके नेबर एग्नेस और उसके पति हर्ब पर पड़ती है, जहां एग्नेस विजन से पूछती है कि क्या अंदर वांडा जेडलिन के साथ है। तब विजन हां बोलकर पूछता है कि क्यों, जिस पे एग्नेस जेडलिन को एक अजीब लड़की बताती है। तो वहीं वांडा और जेडलिन बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां वांडा बताती है कि वो भी जुड़मा थी और उसके भाई का नाम पिएट्रो था। तभी जेडलिन कहती है कि क्या पिएट्रो को अल्ट्रॉन ने मार दिया, जिसपे वांडा शोक हो जाती है। और तभी जेडलिन बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वांडा जेडलिन से पूछती है कि आखिर वो है कौन। तो वहीं बाहर एग्नेस भी टॉपिक को चेंज कर देती है और विजन को बिना पूरी बात बताए वहां से चली जाती है। उसके बाद विजन घर के अंदर आता है और वांडा से जेडलिन के बारे में पूछता है, जिसपे वांडा कहती है कि वो अपने घर चली गई। उसके बाद स्क्रीन रेशो चेंज होना शुरू होता है और 4.3 से 6.9 के रेशो में चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमें वेस्ट व्यू टाउन का बोर्ड दिखता है, जहां एक पोर्टल से जेडलिन बाहर आकर गिरती है, जहां हमें ये दिखता है कि वेस्ट व्यू टाउन के बाहर एक बहुत बड़ा बेस बना होता है। तो दरअसल पूरा वेस्ट व्यू शहर वांडा की रियलिटी में कैप्चर हो गया है और ये लड़की जेडलिन नहीं बल्कि मोनिका रैम्बो है, जो वांडा की रियलिटी में बिना वांडा को पता लगे उसके अंदर घुस गई थी और पता लगने पर वांडा ने उसे बाहर फेंक दिया। और फिर इस सीन के साथ वांडा विजन का थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अब आप हमें बताएं कि आपको थर्ड एपिसोड कैसा लगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सीमार एंड यू वॉचिंग द विक्की सीमार।